اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد المبارك وسلم وصل عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات گرامی قدر السلام علیکم تقریبا سارے دوست مینوں جاندے ہون گے میرا نام سید اختر علی شاہ میں چار چاکر سالی دا رہن والا सारे दोस्तों को पता है मैं जिथे बैठा है ये मेरे हमसाए ने बहु मान पिंड का नाम जट बरादरी सारी मेरे सामने बैठी है ये मैनू जानते ने मैं इन्हों जानना है मैं एक दो जुमले सिर्फ इस्लाह वास्ते मैं अलहमदुल्ला तहदीसे नियमत के तौर पर तकबर वास्ते नहीं मैं तुम्हें दसन वास्ते कि मैं अलहमदुल्ला हाफिज़े कुरान भी हाँ और आलम दीन भी हाँ एम ए अरबी एम ए इस्लामिया जाहिल पीर नहीं मैं एक हूँ ने जाहिल पीर अजहल पीर एवें पगड़िया छकड़िया बन के ते आप भी गुमराह दूजियां भी गुमराह करते फिरते हैं असं उन्होंने पीरों चु नहीं लेकिन इस्लाह करना मैं इतने सिर्फ और सिर्फ मैं नक्शबंदी पीर हाँ सरकुश आस्था नाल या सरकुश शरीफ ना सा तलक है मेरे पीरो मुरशद सयाहुल हरमैन हुजूर बाबा जी सैयद तारिफ सनशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप आस्था नाल या सरकुश शरीफ के आला आदमी शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह आखिरी खलीफा सन अलहमदुल्ला मैं हुजूर बाबा जी का खलीफा है मेरा कहने का मतलब नक्शबंदी मिजाज और सरकुश शरीफ का मिजाज जेडे स्टेज पर लोग बैठे ने जरूर जानते हो गए अगर आवाम नहीं जानते आला हजरात साढ़े आला दरमिया शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्ला फरमाते होंगे हैं अपने मरीदा नूं भी लफ्ज़े अल्लाह भी कहना तो ये तुहानू पता लगे दूसरे नूं ना पता लगे जी मैं उस तबीयत का बंदा इस दे बावजूद तुहाडी हौसला अफजाई वास्ते मैं तुहाडी महफिल चा के बैठा कुछ गल्लां मेरी तबीयत के मुताबिक नहीं सारे सिलसिले के मुताबिक नहीं लेकिन फिर भी सारे सिलसिले साढ़े ने नक्शबंदी में इस भी सारे साढ़े अपने ने सब का इहतराम करना लेकिन अगर कोई चीज़ बेअदबी के जुमरे च आती है तो फिर मैं ना दसा तो मैं गूंगा शैतान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा गलत चीज़ को वेख के खामोश रहे वो जानता है तो वह गूंगा शैतान है समझाई तो मैं तुहाडे कोलों सवाल करना भी जिहड़ा काम मस्जिद में नजायज़ है क्या बाहर वो काम जायज़ है बस सारे स्टेज तो लैके आखिरी बंदे तक तुहाडा मेरा अगे मेरा तुहाडे अगे सवाल है जिहड़ा काम असीं मस्जिद च जायज़ नहीं क्या बाहर करना जायज़ हो गया मसलन ढोल ढमका कोई बंदा गया गुजरा जिहड़ा बंदा ना जी जिहनूं जाहिल अजहल असीं ना अरबी जिहनूं कहिंदे आ यानी आखिरी डिग्री उहनूं भी तुसीं पुछो तो वह आखेगा मस्जिद च जायज़ नहीं इवें ही है ना तो फिर बाहर वो किवें जायज़ हो गया वो एक लहदा मसला अलहमदुल्ला मैं थोड़े नालों ज़्यादा जानना मैंने कोई दिलियां दलील देन लगे ना फलां जगह से दफ जाइ मतलब एक नबी सलम का इजाज़त तो एक खास मौका सी आपने फरमाई तबस्सुम फरमाया अपने बच्चियां चल ये भी मैं जिम्मे जुमे जुमला कहना पे हौसला अफजाई वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहदा मतलब ये नहीं भी असीं मस्जिदां दे स्टेजां के एक गल खत्म हो गई मेरी दूसरा मैं मसलन इंज कर लो भी कुछ बंदियां दा तुहाडा मैं पीर हाँ इवें है मेरे आउंदे नूं तुसीं ना लाओ मेरा इस अंदाज अख्तर ते उहदे जिन्ने भी बच्चे ने उस स्टेज ते आ जाओ मैनूं छड्डो तुसीं मैनूं चंगा लगे जे बुरा लगे तुहानूं चंगा लगेगा है किसी बंदे नूं भी मेरा सिर्फ यही अख्तर ही मैनूं आंदे उस सिर्फ तुसीं मगरना मैं तो आखा मैं तेरे सौ करें पीले तरीके तो फलां 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 बड़े खुश होंगे नफ्स चौड़े होंगे ने बंदे चौड़े होंगे ने जे बई जिहदा नाँ अल्लाह भी उहदियां सिफतां बयान करे डायरैक्ट उहदा नाँ लवे असीं कौन आ मुहम्मद ते आले मुहम्मद कोई छड़ा छोटा भरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही अदब नाल इस तरह यह अंदाज साडा नहीं ये दूसरे लोगों का साढ़े आले सुन्नत वल जमात का अंदाज नहीं इसे बड़े ही प्यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
साहेब अल कौनैन सैयदना व मौलाना मुहम्मद फिर असि नबी वसलम का ना लें सिर्फ अदब अदब वास्ते मैं तालीम वास्ते सिखाउन वास्ते भी नबी वसलम का यह अंदाज साडा नहीं वो दूसरे लोगों का है साडा स्टेज है सुनत वाल जमात का स्टेज है तो सानू अपने तकाजे जिहड़े सुनिए दे वो नहीं भुलने चाहिए जी साढ़े न शेखोदीस ने फैसलाबाद के बहुत बुजुर्ग आदमी ने साई गुलाम रसूल कासमी साहब शेखोदीस ने बुजुर्ग ने फरमाते अजक साढ़िया महफलों से ना जो आम साड़िया महफल होंदिया ने इन्हां च कोई जज नहीं आके बैठता इन्हां च कोई वकील नहीं आके बैठता कोई ब्यूरोक्रेट आके नहीं बैठता क्यों नहीं बैठे भी साडा अंदाज देख लो असं मतलब इन महफलों में मतलब की रंग किस तरह रंग दिता हुआ अदब मलहूजे खातर हर वक्त यार नबी सलम की महफिल से जी बैठे ना किस वास्ते क्या असी मतलब भी कोई दुनियादारी वास्ते आए किसी राजी करने वास्ते आए खालसतन अल्लाह के अल्लाह से रसूल की रजा वास्ते असी आए हैं तो क्यों ना असं इन्ना खूबसूरत इंतजाम किया बहुत मैं अंदाजा असी आप हर साल अलहमदुल्ला तुम्हें पता प्रोग्राम करने सूँ पता बहुत ज़्यादा खर्च किया और जोड़े मेहमान तुम बुलाए वो भी मैंने पता कि खर्चा आने ने तो फिर यार सू हासिल कुछ ना हो सिर्फ दुनियादारी हो गल कोई नहीं फिर इतों सू कोई पैगाम मिलना चाहिए इन्ना खर्च किया यार तुम इन्नी दुनिया कट आ सर्दी में यार को निकलना कुखला ही बड़ा बल्ला बिल्ला थोड़ा मैं थोड़ा मेरा मेरा इंज कह लो भी प्यार मुहब्बत ना होता मैं कभी सर्दी मैं प्रोग्राम छे मैं नहीं जाता हूँ थोड़ा प्यार है थोड़ा खलूस है मैं आ जाना तो थोड़ा आ जाना माहौल में थोड़ा आ जा संजीदगी थोड़ा जा ना इंज लगे भी मतलब महफिल नबी पातशाह सुन की महफिल होंगी पी है तो असी मिलजुल के सारे मैं इसलाह करना एक गुफ्तगू करना अगर किसी को अच्छी फिर मैं देखो ना जी एक दो मैं हूँ गल शुरू हुई मैं दस दे देना क्या मुहर्रम शरीफ का महीना हो जी मुहर्रम शरीफ का महीना उहदे विच साढ़े मौलवी आके या नाथ खां आके मिराज शरीफ बयान कर दे करन लग पैणे सानू अच्छा लगेगा रमजान शरीफ के महीने च कोई बंदा शहादत शुरू कर दे यार हर चीज़ का मौका मर लगा ना तुहाडी इलम वास्ते मैं इजाफा करदा अज जमादी उसानी का महीना सईदना सदीक अकबर की वफात का महीना किसी बंदे ने नाम नहीं लिया 22 जमादी उसानी खलीफा अव्वल हजरत सईदना सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला का वफात है यौमे सदीक अकबर है उन्हों का किसी किसी स्टेज स्ट्रैक्टरी ने किसी ना नहीं यार लोग समझते ने पता नहीं लो जी फलाना जे हजरत अली का हजरत एले बैद का जिक्र यार तुसी ते मतलब इंज कह लो दूसरे लफ्ज आम कि उमती हो ना असी तो उन्होंने खून आ उन्होंने औलाद आ अपने अबाउ अजदाद का जिक्र किनू नहीं चंगा लगता जी हर एक चंगा लगता जी सानू भी अच्छा लगता लेकिन सानू उस तरीके चंगा लगता जिमें अल्लाह के अल्लाह के रसूल ने दसिया अल्लाह के अल्लाह के रसूल ने दसिया पहला सईदना सदीक अकबर का जिक्र करो हजरत उमरे फारूक का जिक्र करो हजरत उस्माने गनी का करो हजरत अली का करो सौ बारी नारे नारा मारो नारा मैं अगे भी मैं जिथे जाना मैं पैगाम देना नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक जरूर मारो अजक साडे सुनिया में भी राफजी और नीम राफजी पैदा हो गए हैं जेडे इस नारे तो मना कर रहे हैं अमीरे वाले सुनत ने एक नारा दिता और मैं हर स्टेज सैटरी कहना होना वो तुम नारा जरूर लवाया करो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती तुम हूँ सारे लाना हूँ मैं नारा लवाऊंगा इस तरतीब ना आइंदा नारे लगने चाहिए जी जी नारा है तकबीर थोड़ी जी उच्ची आवाज च हूँ स्टेज सैटरी हूँ मैं स्टेज सैटरी थोड़ा हाँ जी नारा है तकबीर नारा है रिसाल नारा है नारा तहकीक हर साहब ये नबी हर साहब ये नबी नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदरी।
रही है, जिन्हें मरी नारे ला सू ठंड पी। कसम अल्लाह जी, मैं कोई बनावटी गल नहीं करता, सानू ठंड पीती है, लेकिन वह इंज लाओ जिम्मे अल्लाह अल्लाह रसूल राजी हो। बस